इधर लातेहार से खबर है, निलंबन के बाद भी काम कर रही है सुनीता कुमारी। सीओ वीडियो सुनीता कुमारी चैंबर में बैठकर काम कर रही है। हिरंजी सीओ और वीडियो सुनीता कुमारी कर रही है काम। कार्मिक प्रशासनिक विभाग 27 मई को सरिया में भूमि हस्तांतरण मामले में निलंबित किया था, बावजूद इसके सुनीता कुमारी हिरंज में अपने कार्यालय में काम कर रही है। विभाग ने उन्हें सेवा मुक्त कर दिया। हिरंज सीओ और वीडियो सुनीता कुमारी कर रही है काम। मन के बाद भी सुनीता कुमारी अपने कार्यालय में मौजूद हैं, काम कर रही हैं। सीओ हैं, वीडियो है सुनीता कुमारी हिरंज की। और लातेहार से हमारे सहयोगी नितेश इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। 27 मई को सरिया में भूमि हस्तांतरण के बाद के मामले को लेकर निलंबन चल रहा है सुनीता कुमारी का। हिरंज में पदस्थापित हो गई थी लेकिन अभी भी काम कर रही, ये खबर आ रही है। दिवाकर जी बता देना चाह रहे हैं कि सरिया सीओ को निलंबन का आदेश मिल चुका था, उसके बाद भी हिरंज प्रखंड में अभी भी सीओ पद पर पदस्थापित और काम कर रहे हैं। नितेश, तो ये जानकारी कैसे मिली, वो काम कर रही हैं अभी भी? आज प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे जी, वहाँ पर देखो कि सीओ सुनीता कुमारी अपने कार्यालय में मौजूद थी। आज अपने चैंबर में मौजूद रही हैं वो? हाँ मौजूद है। तो नितेश क्या बड़े अधिकारियों को इस बात की जानकारी है? हाँ जी बता देना चाहते हैं, जानकारी है, उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नितेश इस खबर पर जुड़े आप। तो कुल मिलाकर देखिए मामला ये है कि सरिया सीओ रहते हुए भूमि का किस तरीके से हस्तांतरण किया जा रहा था, भूमि जमीन का खेल खेला जा रहा था, जिसके बाद उसी आधार पर निलंबन हुआ है। लेकिन हिरंज में रहते हुए सीओ और वीडियो के पोस्ट पर है, वो अपने कार्यालय में अभी भी बैठी हुई है, निलंबित है, सेवामुक्त की गई है लेकिन काम कर रही है। निश्चित तौर पर छेड़खानी हो रही होगी उन दस्तावेजों से, सबूतों से, जिसके आधार पर उन पर मामला लगातार गंभीर हो सकता है। और देखिए सुनीता कुमारी बदस्तूर उसी तरीके से अपने कार्यालय में मौजूद है, जबकि निलंबित उन्हें किया गया है।